ऐसे काम की मानवता से सोच विचार करी कि मैं एक समाज हूँ बाहुमर मैं एक समाज मैं एक समाज मैं एक आदिवासी समाज हूँ मैं एक आदिवासी समाज हूँ मैं एक शरणा समाज हूँ मैं एक शरणा समाज हूँ और शरणा समाज क्या जो शरणा समाज का जो प्रकृति का जो पुजारी है प्रकृति का जो स्वभाव है आज इस स्वभाव से हम लोग क्या करिए अन्य रास्ता की तरफ अन्य मार्ग की तरफ चले गए और चलने की वजह से आज हम चाह रहे हैं एक भी यहाँ आए हुए सबको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो चलिए दिल से नाभि से आवाज निकलना चाहिए हमारी युवा शक्ति मेरे पास में मेरे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग भी उत्साह से ठीक है ना जब हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ से जो आवाज आती है ठीक ना फुलकुमारी जी ठीक ना फुलकुमारी मारा नाम लीजिए फुलमानी ठीक है लेखा पता है तुम्हें उल्टी उल्टी पता कान पर चला था लेखा चला था इसकी नाम में ताली मारना चाहिए बहुत बढ़िया और तूने कहा जाना है तूने भैया ये जब भी कहना यहाँ नाम मिलना और जैसे भी अर्थ पर कहना तो ये दिल से प्यार मिलना दिल से चाहना तो ये नंबर बात कि मेरे पास मेरे साथ में घूमिए मैं नहीं चाहता हूँ आप जहाँ पर हो जिस जगह पर हो वहीं से मैं अगर यहाँ नाम मिला क्यों टेम्पूलो सत्य हर रात हमारे चेल बनना नाम हो ना हो खाने के लिए मिले ना मिले सम्मान मिले या ना मिले कोई भी इतराज नहीं हमें क्या करना है समाज के लिए काम करना है समाज के लिए काम करना मतलब स्वयं का स्वयं के लिए खुद के लिए हमको क्या करना है खुद को खुद का हम दोस्त बनना है कैसे दोस्त हम बनेंगे हम अपना दोस्त नहीं बनते हैं और दूसरे को टीका टिप्पणी निंदा शिकायत करते हैं बहुत गलत आज हमको क्या करना है समाज का दोस्त बनना है क्या करना है समाज का दोस्त बनना है समाज का दुश्मन नहीं बनना आज हम लोग समाज का दुश्मन बने हुए हैं तो समाज का दोस्त मतलब स्वयं का दोस्त मतलब क्या होता है हमारे ये शरीर है क्या है हाथ उठाइए आप लोग हमारे माँ बहन लोग आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो सकता समझने के लिए समझिए ध्यान से मेरे तरफ ध्यान लगाइएगा तो ये जो आज को ज्ञान मिलेगा आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा ये आध्यात्मिक ज्ञान में हमारा समाज ही नहीं इस गांव का उद्धार हो जाएगा और यहाँ पवित्र मन से हम लोग विचार कर रहे हैं और पवित्र आत्मा आप लोग हाथ उठाइए ठीक है ना और सारे लोग कहना है कि मैं एक बेहतर इंसान हूँ बोलिए मैं एक बेहतर इंसान हूँ मैं एक बेहतर इंसान हूँ मैं स्वयं का ऐसा हाथ लगाइए आपने मैं स्वयं का दोस्त हूँ क्या बनना है हमें खुद का दोस्त बनना है क्या करना है दोस्त बनने के लिए क्या करना होगा जानना होगा कि मेरे खाने का तरीका क्या है मैं ऐसे तो चीज नहीं खा रहा हूँ जिससे मेरा शरीर को नुकसान हो रहा है जिससे मेरा तन को मेरा तन मतलब शरीर को कुछ इस प्रकार से नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है मतलब मैं खुद अपना क्या कर रखे हैं दुश्मन बन रखे हैं यही संदेह दे रहे हैं गुरु जी ठीक है ना सही बता रहे हैं चलिए बता ले जाते हैं
दोस्त हमको बनना है। जब दोस्त हम बन जाएंगे समाज एक समाज। सुबह वहां बोले तो मेरे कार्य में एक विचार से दो विचार, दो विचार से चार विचार, चार से हजार विचार और हजार विचार से लाखों विचार शुद्ध और पवित्र हो सकता है, अच्छा विचार हो सकता है। और एक गंदा विचार, दो गंदा विचार पूरा समाज पूरा मानवता को गंदा कर सकता है। इसीलिए हमको शुद्ध और अच्छा विचार करने के लिए करना होगा, अपने खुद का दोस्त बनना है। क्या करना है, क्या करना है, खुद का दोस्त बनना है। खुद का दोस्त बनने के लिए क्या करना होगा, मैं एक बेहतर इंसान हूं, बोलिए मैं एक बेहतर इंसान हूं। मैं इस शरीर में कोई भी गंदगी, कोई भी बेकार की चीज को मैं डालूंगा नहीं। आज समाज हित के बारे में कहते हैं, मैं समाज हित के बारे में नहीं कहता हूं। मैं ये कोशिश करता हूं एक एक व्यक्ति समाज है। क्या है सर, एक एक व्यक्ति समाज, एक एक व्यक्ति समाज है। चाहे बच्चे हैं, चाहे बच्चियां हैं, चाहे माताएं हैं, चाहे हमारे पुरुष हैं, चाहे ये सारे लोग एक 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 व्यक्ति समाज है। इनको एक एक व्यक्ति को सही ज्ञान देंगे, सही मार्ग देंगे, कैसे हम एक दूसरे को एक घर और परिवार में कैसे रहना चाहिए, परिवार में किस तरह से रहना चाहिए, उस चीज को जब जान जाते हैं तो हम क्या करेंगे, अपना दोस्त बनेंगे। तो आज के बाद में अपने खाने और पीने के ऊपर ध्यान देना। क्या करना है, खाने और पीने के ऊपर ध्यान देना। देंगे आप लोग हाथ उठाइए। मैं आप लोग का दोस्त करा रहा हूँ, किसी दूसरे के पास दोस्त ढूंढने की जरूरत नहीं है। उठाइए सर, आप अपना दोस्त बनना है ना। आप आज के बाद में क्या खा रहे हैं पी रहे हैं उसको नीचे कीजिए। हाँ, खाना पीना को ठीक करना है, सुने तरह में आप नीचे कीजिए। खाना पीना को ठीक करना है। दूसरा, हमारा पहनना, हम किस तरह से पहन रहे हैं उसको भी हमको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि गंदा उंदा पहन लो। मैं सरनामा आने वाले सभी लोग यही बताते हैं कि हमारे पहन लोग सुंदर और बहुत सुंदर से आओ, अच्छा लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, देखने में सुंदर, अच्छा अच्छा पहनना। तो पहनने में भी हम लोग को क्या रहना चाहिए, स्मार्ट सुंदर रहना चाहिए। जब हम अच्छा से पहनेंगे, जैसे बच्चियां हमारे जैसे लोग देखो कितना अच्छा अच्छा पहनी है, आप लोग कितना अच्छा से रहे तो सबको अच्छा लगता है ना सर, लगता नहीं लगता है, ठीक है ना। ले सर, हाँ नहीं रहना है, ठीक है ना, चलो ताली बजाएगा। अगला, अपना मन को चेक करना। क्या करना है, हाथ लगाइए अपने अपने मन में, अपना अपने मन में लगाइए, अपने दोस्त बनिए, ठीक है ना। आप लोग आइए सर, बैठिए आप लोग नेतृत्व करता है, जैसा आप करेंगे वैसा ही समाज आगे बढ़ेगी। हमारा नेतृत्व करता मतवार, तो हम सारे भी है कि नहीं, जिस तरह से हमारा अगुआ रहे उसी तरह से हम लोग होंगे ना। निन्ना बनर की झारा आर की अम्बा होना अम्बाला था, कहे नहीं तुम पीते हो तो हम पियेंगे भाई, जाओ ओका। तो मनन अखनर की मेरा मन कैसा है, हमारे मन कैसा है, रखा लगा इधर थोड़ा सा मन। हे मेरे मन, खनन मिंका, हे मेरे मन, हे मेरे मन, हे मेरे मन, हे मेरे मन, आप बहुत आज्ञाकारी हो, मैं जाने अनजाने में, जाने अनजाने में मैं आप का जो चंचल मन है इस मन को समझ नहीं पाता था, इसीलिए तुम बहुत नचाया, बहुत परेशान किया, कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी दारू में लगाया मन, कभी धन दौलत में लगाया मन, कभी बदमाशी में लगाया मन, कभी शैतानी में लगाया मन, लेकिन हे मेरे मन तुम बहुत आज्ञाकारी हो, हे मेरे मन तुम बहुत आज्ञाकारी हो, मुझे साथ दीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए।
अपने मन को आज के बाद विचार करना है, क्या करना है, क्या करना है, जोर से बोलिए। मन के बारे में हम लोग जानते नहीं, आज समाज के एक एक व्यक्ति को मन के बारे में बताना है कि हे मेरे मन, आप बहुत हमको विचलित किया, इसीलिए मैं सुख की तलाश में, सुख की तलाश में कहीं इधर कभी उधर जा रहा हूं, भटक रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि सुख और सुख और सुख मेरे अंदर है, मेरे अंदर में है। मैं सुख के चक्कर में धन और दौलत और प्यार और दूसरे के प्रशंसा में, दूसरे का जो इज्जत करने में हम लोग ढूंढ रहे हैं वो नहीं, मेरे अंदर, मेरे अंदर ही सुख है। तो मन मेरा बहुत आज्ञाकारी है। चले हाथ नीचे कीजिए। तो क्या करना है, पहला बात, पहला हम क्या बताए थे, हमको अच्छा से खाना पीना करना है। दूसरा क्या बताए, क्या बताए, दूसरा पहनना भी अच्छा से। तीसरा क्या करना है, मन को सही करना है। आपका मन सही रहेगा तो आपके बच्चे भी सही रहेंगे। अब हमारा ही गड़बड़ है, हमारा ही उल्टा सीधा है, तो बच्चे भी गड़बड़ करेंगे। उसके बाद में अगला दोस्त बनने का तरीका क्या है, ऐसी बानी बोलिए मन का पाक होए, उनका दोहारी। देख माला जी, नहीं है चल ताली बजाए। और वहां लोग के माध्यम से जो यहाँ अच्छे अच्छे संदेश और जो दिव्य तरंग ऊर्जा हो प्रभावित हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आप लोग के अंदर भी एक नया ही ज्ञान जो मिल रहा है, ये ज्ञान इन वाहनों के माध्यम से मिल रहा है, इनके लिए ताली और बजा दी। इस वाहनों के लिए भी बना दी, बजा दी एक बार सारे वाहनों के लिए और सब के लिए बजाइए जोर से। ये जूरा नगरी से आए हुए हैं सावना राव जी, ये हमेशा बिजनेस भी करते हैं और समाज का रात दिन भी काम करते हैं। काम में फंसे रहिएगा, आपको बरकत नहीं होगा। धर्मेश का कृपा जी, ये काम करते करते आज कहते हैं कि काम से लोग टाइम में खतरा, लेकिन टाइम नहीं दीजिएगा। जिसने सारा संसार को बनाया, जिसने सारा जगत को बनाया, जिसने सारा कुछ बनाया, धन और दौलत बनाया, तुम्हारे और हमारे केवल और केवल काम कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम देने वाले कौन है, धर्मेश है, कौन है, चालामा है, कौन है, आदिशक्ति है, कौन है, हमारे पूर्वज। जब कृपा होता है तब हमारा जो धन और दौलत यहाँ पर हमारे पास में गुड्डू जो है, कहाँ गुड्डू जो है, गुड्डू ये गुड्डू जी है, ये बनोरा से आए हुए हैं, ठीक है। इनके साथ में आपका सर ललितुरा, इनके लिए ताली बजा दीजिए। ये इतना मेहनत करते हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जहां जो चाहिए ये उपलब्ध करा देते हैं। इनके पास में धन और दौलत तो कोई कमी नहीं है और धर्म के नाम पर खूब देते हैं। दान का मतलब समझने की जरूरत है। ये गुड्डू जी समझ जाऊंगा तो उठ जाइए थोड़ा सा। ये पाले पेडवानी सर नाम है, काम करते थे और ये आज मुझे तन से, मन से और विचार से भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले बता दिया मेरे साथ में ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपने सरना में, अपने अपने गांव में यहाँ पर है, यही रहिए। हमको आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, आप लोग का घर और परिवार सुंदर हो, आपके बच्चे आज्ञाकारी हो, आपके घर में ऐसे समाज और ऐसे मतलब परिवार होना चाहिए जो कि एक दूसरे को इज्जत करने वाला होना चाहिए। माँ का इज्जत बेटा का करना चाहिए, बेटा की इज्जत माँ का करना चाहिए। हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, प्रेम से, कैसा होना चाहिए सर, प्रेम से भरा होना चाहिए, होना चाहिए ना सर, तो प्रेम से भरा होना चाहिए। तो मैं गुरु को चाहूंगा कि मेरे वक्ता में ही थोड़ा सा दो शब्द अपने काम और अपने विचार के बारे में बताए गुरु जी। हेलो, जनरेटर चलाओ, ये जनरेटर, जनरेटर लाइन कटा दो, लाइन है, लाइन है, लाइन हेलो 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 मैडम।
हेलो हेलो सबको जमे जमे जय धर्म जय धर्म जय धर्म। हम रहे वाला बनरा बनहोरा का रहे वाला है, अभी सरना समाज के अगुवा हमें बना थे है ना। पहले हमें भी मतलब कि हमें सरना में कभी जात नहीं रहे है ना, और हम जात रहे दूसरा सरना परिवार के साथ, वो भी हम पंडरा का रह के हम समझ के टाटी सिल्वर मतलब अनगढ़ा देना पड़ल। तो उधर जात रहे होकर बात है कि उधर से हमके समाज में थोड़ा शिक्षित मिलक कर बात है कि हमारे परिवार को पास मिलक कर बात है गाँव घर में हमें अपने समाज में चलाता है ना। तो इसी तरह हम इनकर आदमी मने जितना भी सरना समाज में है तो जहाँ भी है कितो काम है कुछ भी है पिप्पे का दिन में एक दिन पानी डाले ले जाना चाहिए दमाद में। जितना भी काम होना है सबके छोड़ के है ना। अभी हम इनकर भी बहुत सारा काम है, ये है वो है निकल वो समाज वो काम होना छोड़ के हमें थोड़ा सा समाज के हमें आगे बढ़ाए वास्ते आगे हुआ थे हमें चित्रंजन दादा मन से जितना हम इनके भाई बंधु सबकर से मिल के तो इतने हैं बल्कि जमे जमे सबके जय धर्म जय धर्म जय धर्म दो से